ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है। आखिर सोने या चांदी या कांच, किस धातु की पत्थर की शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है। तो लिंग पुराण में वर्णित है कि सोने से निर्मित शिवलिंग का पूजन करने से ऐश्वर्य में बढ़ोतरी और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोने से बने शिवलिंग की पूजा कुबेर देवता करते हैं। कहा जाता है कि अलग अलग शिवलिंगों का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन इन शिवलिंग के बारे में एक आम इंसान कैसे फर्क कर पाएगा। तो हम पुराण से आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की शिवलिंग होते हैं। तो पत्थर का शिवलिंग, कहा जाता है कि पत्थर के शिवलिंग के घर में होने से घर में ऊर्जा में संतुलन कायम रहता है और घर में सभी तरह की शुभता बनी रहती है। भस्म से बनी शिवलिंग की पूजा करने से आपको अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको सर्व सुख की प्राप्ति होती है। पारे की शिवलिंग की पूजा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना गया है। घर में पारे की शिवलिंग का होना सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में व्यापार को बढ़ाने के लिए के शिवलिंग का पूजन अच्छा माना जाता है। चांदी के बने शिवलिंग की पूजा करने से धन धान में बढ़ोतरी होती है। शीशे के बने शिवलिंग की पूजा करने से शत्रुओं की हार होती है। इससे ज्यादातर पूजा शत्रु संहार के लिए की जाती है। स्वर्ण की शिवलिंग यानी सोने से बने शिवलिंग की पूजा करने से समस्त सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस शिवलिंग की पूजा ब्रह्म देवता करते हैं। हीरे के शिवलिंग का अभिषेक करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नीलम के शिवलिंग का अभिषेक करने से सम्मान की प्राप्ति होती है। क्रिस्टल की शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति की सभी अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि होती है। बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। सोचने की क्षमता अधिक बढ़ती है। मोती के बने शिवलिंग की पूजा चंद्रदेव करते हैं। जो मनुष्य मोती के शिवलिंग की पूजा करता है उसे मानसिक अशांति, मानसिक बीमारी कभी नहीं होती। वो हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और शांत रहता है। हर हर महादेव।